नमस्कार एक्वेरियस, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, मैं सुरेश कौर ट्रिपल एस हिंदी पैरों से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल रीडिंग है, आप रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितने रेजोनेट होते प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये रीडिंग सिर्फ सिंगल्स के लिए है, जो सिंगल हैं या किसी भी रीजन से अपने आप को सिंगल मानते हैं। और ये 17 नवंबर से लेकर 23 नवंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। जनरल होने के कारण आप रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। और ये सन साइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम आपका रिसेंट पास्ट एनर्जी देखेंगे कि वो कैसी रही है, फिर उसके बाद प्रेजेंट करंट एनर्जी। और इस सप्ताह अगर आपकी लाइफ में कोई बंदा आ रहा है, बंदा या बंदी आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे या उनके साथ अटैचमेंट फील करते थे या फिर लव रिलेशन में थे, तो वो बंदा आपके लाइफ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसकी एनर्जी कैसी रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि आपका जो रिसेंट पास्ट है वो कैसा रहा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो हो सकता है कि आप लंबे समय से किसी परेशानी, किसी दुविधा, किसी एंजाइटी, स्ट्रेस में रहे हैं। हो सकता है कि आपके जिस पर आपने सबसे ज़्यादा बिलीव किया था, सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, उसी ने ही आपको धोखा दिया है। तो आपका जो रिसेंट पास्ट है वो बता रहा है कि आप काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेस में रहे हैं, काफ़ी दुविधा में रहे हैं। आप उठ नहीं पाए, चल नहीं पाए, रातों की नींद आपकी हराम हो चुकी थी। लेकिन अगर आप उठते चलते और बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के परेशानी, दुविधा में रहने के, इसका हल ढूंढते, इसका सॉल्यूशन ढूंढते, तो आपके इर्द गिर्द ही इसका सॉल्यूशन मिल सकता था, इसका हल मिल सकता था। लेकिन आप एंजाइटी, स्ट्रेस में रहे, दुविधा में रहे, तो काफ़ी परेशानी, काफ़ी स्ट्रेस आपने झेला है। आप रातों की नींद, शायद आप रात भर भी आराम से, चैन से नहीं रह पाए, ऐसी एनर्जी आपकी दिखाई देती है। या फिर ये भी हो सकता है कि जिस एंजाइटी, स्ट्रेस से, इस जिस दुविधा, परेशानी से आप बहुत लंबे समय से जा रहे थे, गुजर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो एंजाइटी, स्ट्रेस, परेशानी, दुविधा आपकी ख़त्म होती दिखाई दी है। उसका सॉल्यूशन, हल आपने ढूंढ लिया है। तो आगे इस प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे, क्योंकि एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, तो जिस पर जो भी रेजोनेट करता है उसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या रहने वाली है इस हफ्ते। द लवर्स, तो काफ़ी प्यार भरी एनर्जी आपकी रहने वाली है इस सप्ताह। हो सकता है कि जो भी मतलब प्रॉब्लम आपने फेस की है, रिसेंट पास्ट जो आपका रहा है, जो दुविधा भरा, परेशानी भरा रहा है, तो शायद हो सकता है कि उसमें प्यार में आपको धोखा मिला हो। मतलब कोई ऐसी एडिक्शन रही हो जो आप नहीं जानते थे, कोई गैम्बलिंग, कोई स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, या फिर एनवायरनमेंट नेगेटिव, या फिर नेगेटिव लोगों से बातें करना, हो सकता है कि इस चीज़ की एनर्जी में रही है आप। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि अगर आप सचमुच एक दूसरे से प्यार प्रेम करते हैं, तो जो भी इस रिश्ते में एडिक्शन है, जो भी प्रॉब्लम है, अगर आमने सामने बैठकर समय रहते उसमें डिसीजन लेते हैं, बजाय के इधर उधर भटकने के, बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने की, अगर आमने सामने क्लैरिटी ले आते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, खुलकर बातें करते हैं, तो दोनों के बीच में जो प्यार है, जो रिश्ता है, वो अच्छा जा सकता है, अच्छे संबंध हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी इस रिश्ते में, जो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है, वो बता रही है कि अब अगर आप समय रहते इसमें डिसीजन लेंगे, इधर उधर नहीं भटकेंगे, तो यूनिवर्स भी आपका साथ देंगे और आप एक दूसरे के प्रति वफादार रहेंगे। मतलब यानी कि आप एक दूसरे से काफ़ी प्यार करेंगे। देख लेते हैं अगर आपकी लाइफ में, अगर इस सप्ताह आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, कोई नया लवर, नया प्रेमी, या कोई बंदा या बंदी, तो उसकी एनर्जी कैसी रहेगी। नए पर्सन की इस सप्ताह एनर्जी कैसी रहने वाली है, चलिए देखते हैं।
फाइव फॉन्ट्स. तो एक्वेरियस, जो पर्सन इस सप्ताह आपकी लाइफ में आ रहा है या आ सकता है, तो वो आपके लिए ठीक नहीं होगा, सही नहीं होगा. ऐसे पर्सन से आपको बचकर रहना है, क्योंकि जिस पर्सन की भी एनर्जी दिखाई दे रही है उसके साथ आपका लड़ाई झगड़ा वाद विवाद कॉन्फ्लिक्ट एंजाइटी स्ट्रेस सब चीज़ें हो सकती हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ तक कि हाथापाई भी हो सकती है, अच्छे से जमकर लड़ाई मार पिटाई तक भी होने के आसार इसमें दिखाई दे रहे हैं. तो जो भी पर्सन इन दिनों आपके इस सप्ताह आ रहा है उससे आपको बचकर रहना है. तो उसके साथ आपके लड़ाई झगड़ा हो सकते हैं, या तो आप कर सकते हैं या फिर सामने वाला कर सकता है. तो कोई भी एनर्जी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है इन दिनों. जो भी एनर्जी है वो काफ़ी इस सप्ताह आपके जो लव लाइफ के लिए है काफ़ी परेशानी भरी दुविधा भरी हो सकती है. तो उस सिचुएशन से, उस परेशानी से, उस एंजाइटी स्ट्रेस से आपको दूर रहना है और उन चीज़ों को आपको ख़त्म करना है. देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट के पर्सन से डील कर रहे थे या को किसी से अटैचमेंट फील करते थे या लव लाइफ में थे, लव रिलेशनशिप में थे, तो क्या वो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है इन दिनों इस सप्ताह, उसकी एनर्जी देख लेते हैं क्या रहेगी इस सप्ताह आपकी लाइफ में. थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, जी नहीं, नए या पुराने पर्सन की किसी की भी मतलब जो एनर्जी है वो पॉजिटिव नहीं है. क्योंकि हो सकता है कि जो पर्सन आपकी, अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन था, आप किसी पर्सन से डील कर रहे थे, तो या तो आपने उनको धोखा दिया है या फिर उन्होंने आपको धोखा दिया है, जिसकी वजह से मतलब कोई एक जना या फिर हो सकता है दोनों ही किसी एंजाइटी स्ट्रेस से, किसी दुविधा, किसी परेशानी से अब भी गुजर रहे हैं, जिससे आपका मन दुख रहा है, दिल दुख रहा है, आप उसको भुला नहीं पाए हैं, उस स्ट्रेस से, उस एंजाइटी से आप उबर नहीं पाए हैं. तो या फिर सामने वाला पर्सन उबर नहीं पा रहा है, वो महसूस कर रहा है कि आपने उसका दिल तोड़ा है, जिसकी वजह से वो अभी भी रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे इस परेशानी से, इस दुविधा से निकला जाए. तो ये जो रिसेंट पास्ट एनर्जी है वो भी बता रही है कि कहीं ना कहीं आपको इसमें धोखा मिला है. जिस पर आपने सबसे ज़्यादा बिलीव किया था, सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, उसी पर्सन ने ही आपको धोखा दिया है, या फिर आपने अपने पर्सन को धोखा दिया है. तो अभी पास्ट या प्रेजेंट कोई भी एनर्जी आपकी लाइफ में नहीं बन पा रही है. अभी इस सप्ताह के लिए कम से कम आपको दूर रहना है, किसी भी प्यार के चक्कर में नहीं घुसना है. और अगर जो भी जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो पॉजिटिव है थोड़ी सी, कि लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ एडिक्शन है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उस उन चीज़ों को भी आपको शॉर्ट आउट करना पड़ेगा. क्योंकि जो ये दो जो ये लवर्स की एनर्जी है, तो ये बता रही है कि आप दोनों में से कोई ना कोई किसी तीसरे पर्सन की तरफ भी इन्वॉल्व हो सकता है. इन्वॉल्व का मतलब ये नहीं है कि आप करैक्टर वाइज गलत हो सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ इंसानों की, कुछ बंदों की आदत होती है कि अगर कोई तीसरा पर्सन आ जाता है तो आप उनकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्शन फील करते हैं. मतलब उनसे बातें करने का जो तरीका है, हंसकर बोलना या किसी तरह का बातें करना, वो जो आपके जिनसे आपका रिश्ता है वो उन चीज़ों को सहन नहीं कर पाता है. तो इस तरह की एनर्जी इसमें बन रही है. तो अभी लग रहा है कि इस सप्ताह ओवरऑल आपकी एनर्जी जो है बिल्कुल भी सही नहीं है लव लाइफ के लिए, प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए. तो आपको इस सप्ताह बच कर रहना है और अपने जॉब बिजनेस करियर पर, अपने सक्सेस पर ध्यान देना है. अगर आप जॉब बिजनेस करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऑपोजिट सेक्स के साथ मिलकर अगर आप काम करेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं आप सफल हो सकते हैं. तो इसका देख लेते हैं जो इसका गाइडेंस है, यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं. तो यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि आप इस तरह से इस इन चीज़ों में फंस चुके हैं. जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है वो आपकी खुद की खड़ी हुई है, खुद की खड़ी की हुई है. आप बंधन में बंधे हुए हैं, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई है.
और आप जितनी भी कोशिश करेंगे लेकिन आप इस नेगेटिविटी से, इस परेशानी से, इस दुविधा से अभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। चाहते हुए भी आप चाहते हैं कि इस दुविधा से, इस वर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकले, लेकिन इतना दुख तकलीफ आपकी लाइफ में आया है, इतनी परेशानी दुविधाएं रही हैं कि आप चाहकर भी इस एंजाइटी, इस एनर्जी से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। तो आपको अभी कोशिश करनी है कि आंखों से पट्टियां खोलकर, बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय कि सामने वाले से झगड़ा करने के, लड़ाई झगड़े को बढ़ाने के, खुलकर बातें करें, आमने सामने बातें करें, ताकि कुछ एंजाइटी स्ट्रेस, परेशानी, दुविधा जो है वो आपकी ख़त्म हो सके। लेकिन जो है गाइडेंस है वो भी आपकी इतनी पॉजिटिव नहीं है, मतलब इसका सोल्यूशन आप आमने सामने बैठकर अगर करेंगे तो कुछ हद तक सोल्यूशन इसका ढूंढा जा सकता है, लेकिन लव अभी आपको सिंगल रहने में ही फायदा है, अभी किसी प्यार वार के चक्कर में मत घुसिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, और अगर कमेंट्स देना शुरू नहीं किया है तो एक अच्छा कमेंट्स ज़रूर दें, ताकि मुझे पॉजिटिविटी मिलती रहे। फिर मिलते हैं, नमस्ते, थैंक यू सो मच।